नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, दुनिया में कई शहर मौजूद हैं जो हजारों साल पहले अस्तित्व में थे और आज भी हैं। इसका मतलब है कि इन जगहों पर हजारों साल पहले भी लोगों का बसेरा हुआ करता था और आज भी है। तो आज के वीडियो में जानेंगे उन 6 पुराने शहरों के बारे में जो हजारों साल पहले भी थे और आज भी मौजूद हैं। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। दुनिया में कई ऐसे शहर मौजूद हैं जो हजारों साल पहले अस्तित्व में थे और आज भी है। इसका मतलब है कि इन जगहों पर हजारों साल पहले भी लोगों का बसेरा हुआ करता था। इन शहरों में कई 5000 साल पुराने तो कई 11000 साल पुराने बताए जाते हैं। ये शहर जितने पुराने हैं उतनी ही इनकी ब्यूटी देखने के लायक है। इन शहरों की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। नंबर 1, 7000 साल पुराना एथेंस, जो कि ग्रीस में मौजूद है। एथेंस ग्रीस की कैपिटल है और साथ ही ग्रीस का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर 11वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में अस्तित्व में आया था। ये शहर फिलोसफी का एसेंट रेजिडेंस और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। इस शहर का अस्तित्व सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के दिनों से बहुत पहले का है। ये एक ऐसा शहर था जहाँ की बिल्डिंग्स, शॉप और कई सारी चीजें दुनिया भर में फेमस थी। आज एथेंस बहुत बड़ा महानगर और यूरोप की सबसे पुरानी कैपिटल सिटी है। नंबर 2, 11000 साल पुराना डमास्कस, जो कि सीरिया में मौजूद है। डमास्कस सीरिया की कैपिटल भी है और इस्लाम का चौथा सबसे पवित्र शहर है। डमास्कस अरब कल्चर की कैपिटल के रूप में जाना जाता है। डमास्कस दुनिया का 11000 साल पुराना शहर है जिसने कई ग्रेट सिविलाइजेशन को उठते और खत्म होते हुए देखा है। मिले हिस्टोरिक एविडेंस के हिसाब से डमास्कस पहली बार 7वीं शताब्दी के लेटर हाफ में आया था। ये दुनिया का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर है और अरब दुनिया का एक मेजर कल्चर सेंटर भी है। आज डमास्कस 2 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाला एक महानगर है। नंबर 3, 5000 साल पुराना वाराणसी। वाराणसी इंडिया का सबसे पुराना शहर है और सबसे पुराने धर्म हिंदू धर्म का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। बनारस या काशी के नाम से जाना जाने वाला ये शहर उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश स्टेट में गंगा नदी के किनारे मौजूद है और ये 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। ये शहर हमेशा से ही दुनिया भर से हिंदू तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के बीच फेमस रहा है। शहर की घुमावदार सड़कों के किनारे हिंदू भगवान शिव को समर्पित स्वर्ण मंदिर, काशी विश्वनाथ सहित कुछ 2000 मंदिर यहाँ मौजूद है। नंबर 4, 7000 साल पुराना बायब्लोस, जो कि लेबनान बेरूत के नॉर्थ में लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर में पहली बार 8800 और 7000 ईस्वी से पहले के बीच में और 5000 साल पहले से लगातार बसा हुआ है ये शहर। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यहाँ पर 12वीं सदी में बने कई पुराने टेम्पल और फोर्ट भी मौजूद है जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। नंबर 5, 63 साल पुराना सूसा, जो कि ईरान में मौजूद है। सूसा दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और आपको बता दूं कि इस शहर के कुछ हिस्से आज भी सूसा खुजेस्तान प्रांत ईरान के रूप में बसा हुआ है। इसकी जगह टाइग्रिस नदी के करीब थी और यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बन गया है। ऐसा माना जाता है कि एक बार शहर को पूरी तरह से आशूरियों ने नष्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी इसको दोबारा बसाया गया। नंबर 6, 6000 साल पुराना प्लोवदीप, जो कि बुल्गारिया में मौजूद है, 4000 साल पहले अस्तित्व में आया था। ये शहर बुल्गारिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। प्लोवदीप की हिस्ट्री 6 शताब्दी से ज्यादा पुरानी है, जो इसे यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक बनाता है। आज प्लोवदीप बुल्गारिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर और एक उभरता हुआ टूरिज्म सेंटर भी है। दोस्तों, ये तो थी उन शहरों की बात जो हजारों साल पहले भी मौजूद थे और आज भी मौजूद है। वीडियो पसंद आए तो कर सकते हैं लाइक और शेयर, और चैनल पर पहली बार है तो कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।